नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं सेंसिबल के इस नए हिंदी डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस और देखते हैं कि आज मार्केट किस तरह से बिहेव किया और कल मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो निफ्टी की अगर मैं बात करूं आज, तो निफ्टी में काफी सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेड ही था जो हमने कल बात करा था। हमने कुछ ये बात करी थी कि मार्केट अगर इस पर्टिकुलर रेंज में जो पर्टिकुलर रेंज है, यहाँ कहीं भी फ्लैट ओपन होके होता है तो मार्केट ये जो अपना प्रीवियस डे का जो मोमेंटम है ये ऊपर साइड पर कंटिन्यू रखेगा। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गैप ओपन दिया और फिर नीचे साइड पर आकर अपना बुलिश मोमेंटम जैसा हमने सोचा था वैसे कंटिन्यू रखा। अब बात यहां आती है कि अब मार्केट कल किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो कल अगर मार्केट मान लीजिए अगर फ्लैट ओपन होता है मेरे लिए, तो अनलेस मार्केट ये स्विंग नीचे साइड पर क्रॉस करता है 15,750 के नीचे ही मार्केट एक सेल साइड पर आ सकता है। और अगर ऊपर साइड पर जाना है मार्केट तो ये जो पर्टिकुलर स्विंग है इसको स्विंग को क्रॉस करके ऊपर साइड पर बाइंग हो सकती है। बट कैच यहां पर ये है कि बॉस अभी कोई आपको बड़ा ट्रेड मिलना थोड़ा मुश्किल है। अब वो इसलिए क्योंकि इमीडिएटली आपको 15,900 का ये जो लेवल है ये यहां पर दिखाई दे रहा है। अब मुझे आप अगर पूछेंगे कि आप क्या ट्रेड लेना चाहेंगे तो मैं अभी के लिए तो ट्रेड अवॉइड करूंगा क्योंकि इमीडिएटली ये 825 पर तो मार्केट मुझे ट्रेड देगा। अब उसके बाद 900 के आसपास ही यहां पर एक रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है तो मुझे अराउंड 75 पॉइंट्स का ट्रेड मे बी और मे नॉट बी, क्योंकि मार्केट जरूरी नहीं है कि 15,900 तक जाकर रिजेक्शन ले, पहले ही रिजेक्शन भी ले सकता है। ठीक है, तो एक तो मैं ये अगर मुझे ट्रेड लेना होगा तो मैं ये देखना चाहूंगा कि मार्केट 15,900 के ऊपर किस तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो जिस तरह का अभी अगर मैं पिछला आपको एग्जांपल दिखाऊं तो यहां जो मार्केट ने एक रिजेक्शन दिखाया था तो जब यहां से मार्केट नीचे साइड पर आने लगा था तब हमने ये डिसाइड किया था कि बॉस अब मार्केट बेरिश है तो हम यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। तो यहां पर पहला दिन ये और दूसरा दिन ये वाला, तो यहां दोनों दिन हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया क्योंकि बहुत बड़ा फॉल हुआ था। अब हम ये तो कर नहीं सकते हैं कि मार्केट में कि आप एकदम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने एंट्री करी और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने एग्जिट करा, ये हो नहीं सकता, राइट। तो आप कहीं बीच में एंट्री करेंगे और कहीं बीच में एग्जिट करेंगे तो इस पूरे बड़े मूव में भी आप अराउंड 50% ही कैप्चर कर पाएंगे। तो अब जब ये पर्टिकुलर आपको जो मूव दिखाई दे रहा है वो 75 पॉइंट्स का है तो इसका 50% अराउंड आप 40 पॉइंट तक कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, 40 से 35 पॉइंट तक आप कैप्चर कर पाएंगे तो वो कोई सेंस नहीं बनता अभी लेने का। तो जब तक मार्केट 15,900 पर एक या तो रिजेक्शन दिखाता है या ऊपर साइड पर क्लोजिंग दिखाता है तब तक मैं ट्रेड अभी के लिए नहीं लूंगा मार्केट में। मैं देखना चाहूंगा 15,900 पर मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। और हालांकि मैंने आपको ये तो बता दिया, आप अगर जो बाइंग मोमेंटम है ये थोड़ा थोड़ा 15,825 के ऊपर हमें मिल सकता है और सेलिंग मोमेंटम आपको 15,750 के नीचे मिलेगा। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा आज साइडवेज जैसा मुझे दिखाई दिया। तो यहां पर अगर मैं बैंक निफ्टी में जाता हूं, ये तो बैंक निफ्टी में जाता हूं तो थोड़ा सा यहां पर पूरे दिन मुझे साइडवेज बैंक निफ्टी दिखाई दिया। तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर कहानी है, अगर ऊपर साइड पर ये पर्टिकुलर लेवल है तो ऑलमोस्ट ऊपर साइड पे बंद हुआ है तो 34,800 के ऊपर एक बाइंग मोमेंटम मिल सकता है और 35,000 तक मुझे मिल सकता है। बट आप अगर मुझे कहेंगे कि मुझे कब ट्रेड लेना है तो मैं 35,000 इस लेवल पर देखना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर ये ऊपर साइड पर क्लोजिंग देता है तो मैं एक बुलिश साइड पर ट्रेडिंग यहां पर ट्रेड लेना पसंद करूंगा। वहीं अगर मार्केट इस पर्टिकुलर स्विंग के नीचे जाता है, 34,500 के नीचे जाता है तो एक सेल साइड पे मुझे प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट अभी के लिए मैं ये चाहूंगा कि मार्केट फ्राइडे के दिन अपने आप को एक्सप्रेस करे मुझे कि बॉस मैं इधर साइड जाना पसंद कर रहा हूं या मैं नीचे साइड जाना पसंद कर रहा हूं। तब तक के लिए मेरे लिए अभी कोई मार्केट में ट्रेड नहीं रहेगा। ठीक है, वहीं और हाँ दोस्तों, मैं एक पॉइंट आज आपको बताना चाह रहा था कि क्यों मैं पर्टिकुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स का वेट करता हूं। क्योंकि मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि किसी व्यक्ति ने कहा था कि मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, तो उन्होंने मुझे एक चीज बात कही थी कि आपको ना हर कहीं वीडियो में ही सुना था मैंने, पता नहीं किन के में, तो उसमें उस व्यक्ति ने बोला था कि बस आपको ना हर एक मार्केट में जो भी कैंडल बन रही है उसका सेंस नहीं बनाना हमेशा। आप अगर आप चाहेंगे कि हर एक जो डेली कैंडल बन रही है या आवर्ली कैंडल जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हैं
उस जो कैंडल बन रही है वहां पर जो कैंडल बन रही है उस कैंडल का सेंस नहीं बनाना, क्योंकि आप नहीं बना पाएंगे सेंस। आपको केवल उन्हीं कैंडल्स का सेंस बनाना है जो इधर या तो रेजिस्टेंस के आसपास बन रही है या किसी बड़े सपोर्ट के पास आसपास बन रही है या फिर चैनल के ऊपर या नीचे साइड पर बन रही है। तो यहाँ जो कैंडल्स बनती हैं उनका एक पर्टिकुलर सेंस बनता है, क्योंकि वहां पर हर जो व्यक्ति जो ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी होगा, निफ्टी होगा, जो भी पर्सन वहां पर ट्रेडिंग कर रहा है, वहां पर वो किसी तरह का अगर ट्रेड ले रहा है तो उस टाइम पे उसका व्यू एक्सप्रेस हो रहा है वहां पे कि लोग यहाँ पर बुलिश सोच रहे हैं या यहाँ पर रिजेक्शन के लिए सोच रहे हैं। तो वहां पर हमें एक्चुअल पता चलता है कि जो जो बड़ी क्वांटिटीज हैं वो किस तरह से बिहेव कर रही है मार्केट में, किस तरह से लोग बड़ी क्वांटिटीज का ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, और वो आपको दिखता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे। ठीक है, चलिए अभी और दूसरी बात ऐसी है कि आज थी मंथली एक्सपायरी, तो मंथली एक्सपायरी वाले दिन कुछ खास तो डेटा डेवलप नहीं होता है ओआई डेटा, बट फिर भी अभी के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर मैं 5 अगस्त का यहाँ पर ऑप्शन चेन लगाता हूँ तो जो सादा सिंपल जो ऑब्वियस डेटा है वो मुझे एक तो दिखाई दे रहा है कि 15,800 पर एक बहुत ज्यादा अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पर, 16,000 के ऊपर और 15,900 के ऊपर, दोनों ही इन तीनों ही जगह पर एक अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे साइड पर अगर मैं बात करता हूँ तो 700 पे एक ठीक ठीक सपोर्ट बन रहा है, बट सी दिस, ये जो आज का जो डेटा है वो कुछ खास यहाँ पर इम्प्लाई नहीं करता है, क्योंकि खासा कुछ मेच्योर नहीं हुआ है ओआई डेटा। तो कल जो डेटा होगा फ्राइडे का डेटा वो बहुत ही मेच्योर डेटा होगा, तो वहां पर हम एक अच्छा डिडक्शन बना सकते हैं। जो सेम कहानी है वो FII और DII डेटा के साथ में, तो इतना कुछ खास डेवलप तो आज का जो डेटा, क्योंकि यहाँ पर कुछ रोल ओवर्स हुए होंगे, कुछ लोगों ने अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करे होंगे, कुछ पोजीशन ऐड हुए होंगे, तो ये जो डेटा है वो एक्चुअली कंटेमिनेटेड डेटा कह लीजिए है। तो कल का जो डेटा होगा, कल जो मुझे यहाँ पर मंथली OI डेटा यहाँ पर दिखाई देगा, तो वो एक फ्रेश डेटा होगा, वहां से मैं एक अच्छा डिडक्शन कर सकता हूँ मार्केट में। तो इसी के साथ चलिए एक बार देख लेते हैं USD INR किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर मैं 3 hours चार्ट लगा देता हूं, ठीक है। तो जैसा हम इतने समय से देख रहे थे कि मार्केट कुछ ये इस पर्टिकुलर रेंज में था, यहां पर इसने नीचे साइड पर ब्रेकआउट दे दिया है अभी के लिए, और यहां पर अब यहां पर एक नया हमको एक लेवल देखने को मिल सकता है जो कि ये वाला लेवल है। तो अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर बना देता हूं तो ये पर्टिकुलर लेवल अभी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक अच्छा खासा यहां पर सपोर्ट यहाँ पर इसने जो इतने दिन का कंसोलिडेशन था वो तोड़ के नीचे साइड पर ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो अराउंड आपको 74 रुपीज का यहाँ पर लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि एक गैप है, इस गैप को एक यहाँ पर गैप की फिलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो USD INR का ये कुछ व्यू यहाँ पर थोड़ा सा बेरिश साइन यहाँ पर दिखा रहा है ये, और चूंकि ये थोड़ा सा बेरिश है तो निफ्टी थोड़ा सा बुलिश होने के चांसेस है, ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पर अपना मार्केट व्यू आपको वर्डिक्ट देता हूं, तो मेरा सिंपली वर्डिक्ट है कि अभी के लिए तो मार्केट थोड़ा सा बुलिश साइन में है, चार्ट्स में बुलिश दिखाई दे रहा है, और जब तक कि 15,900 के लेवल्स पे नहीं पहुंचता है तब तक मैं किसी भी तरह की डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लूंगा। अगर आपको ट्रेड लेना है तो हम एक ले सकते हैं ट्रेड, जैसे 15,500 की ट्रेड होगी, बट बहुत दूर की ट्रेड है, राइट। वहां पे आप 15,500 पर जो पुट है उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने वहां से बहुत अच्छा रिजेक्शन दिखाया था। बट मैं नहीं कहूंगा कि अभी आप ट्रेड लें किसी तरह की, अगर हमें एक कन्वेक्शन दिखाई देता है मार्केट में, एक कंफर्मेशन दिखाई देता है, तो हम एक बढ़िया डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हैं जहां पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी हमें हो सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का निफ्टी, बैंक निफ्टी और USD INR का व्यू। लाइक करके और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये प्रयास किस तरह का लग रहा है, और आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस बार क्या निफ्टी 15,900 का लेवल क्रॉस कर लेगा या फिर से एक रिजेक्शन वहां पर मिलेगा उसको। और दूसरी बात कि जो मैंने कल भी बात कही थी कि सेंसिबल के जो स्पेशल ऑफर्स हैं वो अभी भी चल रहे हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पर आप उन ऑफर्स को देख सकते हैं। 8 महीने का है और 16 महीने के ऑफर हैं, 16 महीने का स्पेशल ऑफर है और काफी स्पेशल डिस्काउंट है, अराउंड 60% ऑफ वहां पर मिल रहा है आपको। तो इसी के साथ मैं सागर कुमार आपसे इजाजत चाहता हूं, और हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूंगा कि अपने कैपिटल को बचा के ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, हेज के साथ ट्रेड करना है, और हैव अ सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग विद सेंसिबल। बाय बाय।